अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए। मैंने एक आरटीआई डाली के मुझे ये बताया जाए कि विल, जीपीए और एग्रीमेंट के सेट को किस धारा, किस तथ्य, किस कानून के आधार पर यमुना में स्वीकृत नहीं किया जाता, जिसके कारण बहुत सारे अलोटियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन के द्वारा जो एक तरफा ये निर्णय लिया गया है और ये एक तरफा निर्णय थोपा गया है, क्योंकि सबरिस्टर सदर की स्थापना गेट नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित और विकसित क्षेत्र की रजिस्ट्री के लिए ही हुई थी और वो रजिस्ट्रियाँ यहाँ 25 या 30 साल से चल रही थी, जो एक साथ तुगलकी फरमान करके दादरी में रजिस्ट्रियों को कराने के लिए आदेशित कर दिया गया है। क्या हमारे जो कार्यकारिणी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गई है और हाईकोर्ट में रिट भी दायर हुई है, क्योंकि हम पहले भी इलाहाबाद से ही जीते हुए हैं। पहले भी एक मामला हुआ था जब हमारे यहाँ तेज सिंह यादव जी सब रजिस्ट्रार थे, उस वक्त भी ये कार्य चला था, लेकिन फिर ये वापसी कर दिया गया। अब डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और आपने यमुना विकास प्राधिकरण में एक आरटीआई डाली है, किन किन विषय में के लिए डाली है, उस विषय में हमारे दर्शकों के लिए आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा वर्तमान में सदर रजिस्ट्रार कार्यालय के कैंपस में अधिवक्ता के रूप में यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ, और एक समस्या थी हमारे अलॉटीज की जो मेरे सामने आई कि जीपीए विल जीपीए एग्रीमेंट का जो एक सेट होता है उसके आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी रजिस्ट्री होती है, नोएडा प्राधिकरण में भी रजिस्ट्री होती है और अन्य कई प्राधिकरणों में रजिस्ट्री होती है और ये न्याय संगत भी है, परंतु यमुना प्राधिकरण में अपनी मनमानी के चलते वो ये रजिस्ट्री नहीं करते हैं, विल जीपीए एग्रीमेंट को वो स्वीकृत नहीं करते हैं। तो मैंने पहले तो एक पत्र लिखा सीईओ साहब को, जिसका उत्तर मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने एक आरटीआई डाली कि मुझे ये बताया जाए कि विल जीपीए और एग्रीमेंट के सेट को किस धारा, किस तथ्य, किस कानून के आधार पर यमुना में स्वीकृत नहीं किया जाता, जिसके कारण बहुत सारे अलोटियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस आरटीआई को डाले हुए भी मुझे लगभग सवा महीना हो गया है, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। अब मैं इस पर अपील लगा रहा हूँ। दूसरा एक और सवाल है मेरा, अभी तक नोएडा एक्सटेंशन की रजिस्ट्रियाँ बैनामा जिसे बोलते हैं नीच, यही जो अपना कार्यालय बना हुआ है गामा में, यहीं पर स्टार ऑफिस में होती थी, लेकिन अब जो है एक्सटेंशन की जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसकी वहाँ पर हो रही है दादरी में, इससे क्या आप लोगों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस विषय में और बताइए। देखिए अधिवक्ताओं को तो उतनी समस्या नहीं है, यद्यपि काम कम हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ता है, परंतु हमसे कहीं ज्यादा समस्या अलॉटी की है। जो हजारों हजार अलॉटी वर्षों से यहाँ पर कराते थे और जो कि न्याय संगत भी था, क्योंकि प्राधिकरण भी यही है, वहां से लीज पास करवानी पड़ती है या ट्रांसफर पास करवाना पड़ता है, और उसके बाद वो सदर का कार्यालय जो है शहरी ज्यादातर नागरिक होते हैं इसके अलॉटी फ्लैट्स वगैरह के, तो उनके लिए ये कार्यालय सुलभ भी था और वर्षों वर्ष से ये यहाँ होती आई है। तो अब एकाएकी किसी ऐसे भ्रामक से तथ्य के आधार पर इसको दादरी जो स्थापित किया गया है वो मैं न्याय की उसमें तो अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इसके लिए यहाँ की जो हमारी एसोसिएशन है उन्होंने मुझे ज्ञात हुआ है कि रिट लगाई है वहाँ पे, तो विचार जब ये न्यायालय के विचाराधीन है तो उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, परंतु अलॉटियों के ये हित में होता कि ये रजिस्ट्रियाँ यहीं होती रहती। यहाँ पर एक तर्कसंगत बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस आधार पर जो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैट हैं उनकी रजिस्ट्रियां दादरी में स्थापित की गई हैं, तो उसी आधार पर फिर एआईजी महोदय को यह निर्णय लेना चाहिए कि जो बहुत सारे गांव सदर तहसील के अंतर्गत आते हैं पर उनकी रजिस्ट्रियां नोएडा प्राधिकरण का जो नोएडा का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां होती है, वो रजिस्ट्रियां फिर उसी तथ्य के आधार पर उसी नियम के आधार पर सदर तहसील में होनी चाहिए।
जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो हमसे हमारे हिस्से का काम छीन तो लिया गया है, लेकिन उसी तर्क पर जो फिर हमारा हिस्सा कहीं और बनता है वो हमें दिया नहीं गया है, उसके आधार पर यहाँ के अधिवक्तागण, यहाँ के स्टंप विक्रेता और अन्य सभी के रोजी रोटी और कार्यों पर फर्क पड़ा है, पर अलौटी तो बेहद परेशान है ही। मेरा एक सवाल और है आपसे, यहाँ का जो रजिस्टर कार्यालय है, यहाँ से संबंधित कोई आपकी और समस्या हो उसको बताएंगे? यहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय में कुछ दिन पहले तक जगह की थोड़ी कमी हुआ करती थी, लेकिन फिर पर्याप्त मात्रा में जगह मिल गई वहाँ पे, तो वो समस्या का हल हो गया। और जो रजिस्ट्रार महोदय और जो पूरा स्टाफ है वो भी काफ़ी हद तक अधिवक्ताओं और जो भी अलॉटी वगैरह होते हैं उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास करते हैं, तो वो भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। परंतु जो यहाँ अधिवक्ता या डीड राइटर या स्टाम्प विक्रेता काम करते हैं वो एक बहुत ही दयनीय अवस्था में यहाँ काम करते हैं, क्योंकि चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है। अब जो अधिवक्ता संपन्न हैं या थोड़ा बेहतर उनका काम चल रहा है, तो उन्होंने या तो मकान खरीद लिए हैं या मकानों में ऑफिस बना रखे हैं, परंतु जो सामान्य रूप में कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए हर जगह कचहरी परिसर या जो भी कोई परिसर होता है उसमें छोटे या बड़े किसी न किसी प्रकार के चैम्बर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी भी सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, उसमें भी सबसे अधिक राजस्व देने वाली तहसील सदर, और यहाँ के जो अधिवक्ता हैं या डीड राइटर्स हैं उनके लिए बैठने के लिए चैम्बर की भी जो व्यवस्था नहीं है, ये बेहद दुखद है, ये एक समस्या है। इसकी तरफ मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चाहे फिर अथॉरिटी हो, चाहे हमारे स्टाम्प पंजीयन मंत्री हो, या जो भी कोई समस्या का निदान कर सकते हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि यहाँ पे सभी अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं के लिए शीघ्र से शीघ्र किसी ना किसी प्रकार के चैम्बर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ बार एसोसिएशन सब स्टार कंपाउंड ग्रेटर नोएडा जी। यहीं पे चैम्बर है मेरा 51 नंबर। देखो जो हमारे यहाँ रजिस्ट्री होती थी दादरे के लिए जी, हमारा तो देखो कार्य ऐसा है, वकील तो कहीं भी चैम्बर ले सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मेन है बात अलॉटियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या भारत सरकार ये चाहती है कि अलॉटी को एक छत के नीचे सारी सुविधा हो, क्योंकि हम अपने अलॉटी को परेशानी नहीं होने देखना चाहते। तो अलॉटी में बराबर में ही हमारे अथॉरिटी है। अब अलॉटी जो है पता पड़ी दादरी जा रहा, बीच में जाम लग रहा है, तिलपता गांव है गोल चक्कर के पास, वैसे भी DMIC का कार्य चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारा पहला सब रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में बिना तहसील से अलग है, क्योंकि अथॉरिटी ने अपने अलॉटियों की सुविधा के लिए इसको बनवाया था अपने साथ अटैच करके, पहला ऑफिस है जी। और नंबर दो, अगर हमारे मामला ये कहते हैं कि भाई सर्किल का मामला या भाई क्षेत्र जो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये चीज आ रही है, तो नोएडा में जो हमारा क्षेत्र है यानी जैसे गुलावली है, झट्टा है, कोंडली है, बदौली है, नंगला है, नंगली है, यानी कि 66 सेक्टर हमारे यहाँ लगते हैं जी, जिनकी रजिस्ट्री नोएडा में, हम फिर तो सर्किल के सबसे हमारे यहाँ भी होने चाहिए। लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि अभी हमारा काम है, काम है अलॉटियों का, और हम उसकी सुविधा के लिए हैं। जैसे डॉक्टर कहता है ना, मेरी कैसी विडंबना है कि आपकी परेशानियों पर ही मेरी जीविका चलती है, ऐसे ही डॉक्टर एक तरह से अलॉटियों के लिए हम हैं, हम उनकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं और उनके उस पर हमारा भी चलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अलॉटियों, अलॉटियों को यहाँ से दादरी पहले अथॉरिटी जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज पास भी अथॉरिटी से होती है, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड हमारे यहाँ होती है, PM हाँ होता है, ट्रांसफर मेमोरेंडम बोलते हैं जिसे, फिर अलॉटरी भाग के यहाँ आता है। अब अलॉटरी को दुगनी से ज्यादा दूरी पर जाना पड़ेगा, वहाँ व्यवस्था बहुत वैसी, क्योंकि GT रोड मेन चलता है, अब बहुत बड़ा कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह कुछ नहीं है। हमारे बिल्कुल खुला है, ग्रेटर नोएडा को सब जानते हैं, चंडीगढ़ की तरह पहचान है ग्रेटर नोएडा की, बड़े खुले रोड, बहुत अच्छा अलॉटरी आने में भी, क्योंकि वो जो रजिस्ट्री कराने आता कहता ग्रेटर नोएडा में हो रही है, गामा सेकंड में जो होती है, बहुत अच्छा एरिया है, बड़ी खुली सड़क है। तो हम तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ अलॉटियों की हो गई है, हम तो कहीं भी जाते थे असली बात अलॉटी की, कि कुछ लोग हैं नौकरी पैसे वाले, वो गाड़ी से सीधे आते हैं, मियाँ अभी भी सर्विस करते हैं, जितने हमारे फ्लॉट हो गए सारे ही जॉब वाले लोग हैं, उन जॉब वाले इतनी परेशानी, सुबह 10 बजे आके फंस जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, यहाँ वो आते कहीं रास्ते में कोई रोक टोक नहीं, आराम से चले जाते हैं। क्या इसमें आपके जो संगठन है कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करने, क्या करना चाहते हैं? हाँ, संगठन ने प्रक्रिया, हमारे जो कार्यकारिणी है
वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गई है और हाई कोर्ट में रिट भी दायर हुई है, क्योंकि हम पहले भी इलाहाबाद से ही जीते हुए हैं। पहले भी एक मामला हुआ था जब हमारे यहाँ तेज सिंह यादव जी सब रजिस्ट्रार थे, उस वक्त भी ये कार्य चला था, लेकिन फिर ये वापसी कर दिया गया। अब कार्यकारिणी गई है, कल नहीं आई है, बल्कि शनिवार को गई थी और कल सोमवार को शाम के टाइम आई है कार्यकारिणी वहाँ से रिट दायर कर। बबी साहब अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों के लिए, और अभी तक जो रजिस्ट्री अपनी गामा वाली अथॉरिटी में होती थी रजिस्ट्रार कार्यालय में, नोएडा एक्सटेंशन की कुछ रजिस्ट्रियाँ वहाँ पर होने लगी हैं दादरी में, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, सब रजिस्ट्रार कार्यालय सदर गेट नोएडा पर बैठता हूँ, और शासन के द्वारा जो एक तरफा ये निर्णय लिया गया है और ये एक तरफा निर्णय थोपा गया है, क्योंकि सब रजिस्ट्रार सदर की स्थापना गेट नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित और विकसित क्षेत्र की रजिस्ट्री के लिए ही हुई थी, और वो रजिस्ट्रियाँ यहाँ 25 या 30 साल से चल रही थी, जो एक साथ तुगलकी फरमान करके दादरी में रजिस्ट्रियों को कराने के लिए आदेशित कर दिया गया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। उसका कारण ये है कि प्राधिकरण से दूरी सब रजिस्ट्रार कार्यालय की 15 से 17 किलोमीटर है, और लोग यहाँ बाहर से आते हैं अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए, कैश में रसीद भी कटती है, आना जाना होता है, और यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आवंटी को वहाँ पर जाने के बाद बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ अलग तरीके की सुविधाएं हैं, या मेट्रो है, यहाँ की सड़क सुविधा अलग तरीके की हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना ही प्राधिकरण कैंपस में है, जो यहाँ रजिस्ट्री होनी चाहिए। इस तुगलक की फरमान को शासन द्वारा तुरंत जो है वापस लिया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द रजिस्ट्री फिर दोबारा से प्राधिकरण के कार्यालय कैंपस सदर में होनी चाहिए।